हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही रील से रिलेटेड वीडियो। देखिए, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक सोफ़ा है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका है। और वैसे तो ये फेंकने के लायक ही था, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक कोशिश की है और अभी आप लोगों के लिए एक मतलब थोड़ा सा इसमें कुछ काम करूँगी, थोड़ी कोशिश करूँगी, कुछ जुगाड़ लगाऊँगी और इसको मतलब थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। न्यू तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। फेंकने से अच्छा है कुछ थोड़ा बहुत इसमें करके इसको फिर से रीयूज़ कर दें, इसका फिर से मतलब अच्छा सा बना दें। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं, इस पर काम शुरू। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग कितना सारा कबाड़ा भरा हुआ है। चूहों ने बहुत सारी पॉटी वगैरह कर रखी है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से यूज़लेस हो चुका है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइए क्या मैं इसे यूज़फुल बना पाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका जो भी अंदर के पार्ट्स हैं उन सबको हटा दूँगी। जैसे कि इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं है, जो बोरी वगैरह होती है वैसी पता नहीं किस चीज़ की, वो है इसके अंदर और वो लगा हुआ है। थोड़ी सी फॉर्म है और थोड़ी सी जो थर्माकोल जैसे गत्ते होते हैं वो हैं, और जो कोकोनट के छिलके से बनी हुई होती है ना झाड़ू होती है, उस टाइप का कुछ इसमें जाली जाली सी लगी हुई है। तो वो सारा सब कुछ फट चुका है, चूहों ने काट काट कर बहुत बुरी हालत कर दी है उनकी। तो उन सबको मैं हटा ही दूंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होंगे, ना ही उनका कोई रीयूज़ हो सकता है। तो मैं उन सबको जहाँ से भी जॉइंट है वहाँ से काट दूंगी। वैसे तो वो पूरी तरीके से हटा ही हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इन सबको काट काट के क्लीन कर दूंगी। हे गाइस, तब तक मैं इसको कट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की रील्स से रिलेटेड और वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ जो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी होती हैं, उनको भी यूज़फुल बनाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया है, मेरे थोड़े हाथ थक गए थे इसलिए फिर मेरी डॉटर कर रही है, थोड़ा सा कट कर रही है उसको। और देखिए, ऊपर का जो भी पार्ट थे इसमें मैंने सारे कट कर दिए, बस अभी स्प्रिंग वगैरह इसमें लगी हुई है जो कि मैं सोच तो रही हूँ इनको भी हटाने की, पर अभी मैं नहीं हटाऊंगी इनको, थोड़ा इसके ऊपर ही देखती हूँ, अगर ये ठीक लगेगा तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर किसी और चीज़ से इसको रीयूज़ करूँगी। तो अभी नहीं इसको हटाते हैं, बस इसका जो ऊपर के पार्ट वगैरह लगे हुए थे, फॉर्म वगैरह और जो थर्माकोल के गत्ते वगैरह थे, उन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है। देखिए, अब मैं यहाँ पर पीछे का जो भी इसके अंदर कूड़ा भरा पड़ा था, तो मैं सोफे को ऊपर उचका के और इस तरीके से उठाकर और उसके नीचे का जितनी भी डस्ट है, गंदगी है, उस सबको क्लीन करूँगी, जिससे कि थोड़ा क्लीन पोर्शन दिखने लगे मुझे, तो समझ में भी आए कि हाँ कितना काम किस पर करना है और कितना नहीं करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने नीचे का फ्लोर जो है उसको क्लीन कर दिया है और बहुत सारी गंदगी इसके अंदर निकली है, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या भरा था, इस सोफ़े के अंदर किससे बना हुआ होता है ये। तो देखिए, इसके अंदर ये सब कबाड़ा भरा हुआ था, ये जो फॉर्म के गत्ते हैं, थोड़ी सी फॉर्म है, नारियल के छिलके से बनी हुई बोरी वगैरह, कुछ इस तरीके का इसमें सब सामान भरा हुआ था। तो अब ये जो हमारा खाली हो चुका है, तो अब मुझे इसको फिल भी करना होगा। तो इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पुराने कपड़े लिए हैं और उनको अपने जो पुराने पिलो हो गए थे, पिलो कवर थे, उनके अंदर भर कर इस तरीके से पिलोस तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जीरो कॉस्ट पर ही अपने उसको बनाएंगे, एक रुपये भी बाहर का खर्च नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने रीयूज़ किया। तो इस तरीके से अगर आपके कपड़े भी यहीं कहीं पड़े रहते हैं, तो इस तरीके से ये स्टोरेज भी हो जाएगा, कहीं ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 6-7 पिलो मोटे मोटे से बनाकर तैयार कर लिए हैं और इनमें सब में पुराने कपड़े भरे हैं, और अगर इनको मुझे कभी चाहिए होगा तो मैं निकाल भी सकती हूँ, सेफ रहेंगे। मैंने पूरी तरीके से सिल कर इनको तैयार किया है और अब मैं इनको एक एक करके अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। इसीलिए मैंने स्प्रिंग नहीं हटाई, पहले मैं स्प्रिंग हटाना चाहती थी, फिर मुझे लगा कि स्प्रिंग अच्छा काम कर सकती हैं अभी, तो इनको हटाना भी ठीक नहीं होगा, तो मैंने अभी नहीं हटाई। अगर ये फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे ठीक लगा, अदरवाइज़ मैं हटा ही देती इनको। तो देखिए, इस तरीके से चिपका चिपका के पहले मैंने इनको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है अच्छे से। और पिलो में मैंने पहले मैं फॉर्म भरने की सोच रही थी, लेकिन एक तो मेरा वीडियो ही जीरो कॉस्ट पर था और ऊपर से फॉर्म फिर बहुत जल्दी मतलब ढीली सी पड़ जाती है, और ये हमने फैब्रिक इसमें भरे हैं, कपड़े भरे हैं, और मैंने बहुत मतलब ज़्यादा ज़्यादा कपड़े भरे हैं, जिससे कि ये इसमें मतलब नीचे धंसने वाला काम नहीं होगा बिल्कुल भी।
जी, मतलब इधर से कपड़े उधर से खिसक जाते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन बिल्कुल भी ना आगे आए, इसलिए मैंने इनको बहुत मजबूती से भराया और बहुत टाइटली इनको मतलब स्टिच भी कर दिया है। और देखिए इस तरीके से मैंने अपने पूरे सारे पिलो लगा दिए हैं। अब इस पर जो मेरा पहले का ही कवर था उसको मैं अच्छे से झाड़ कर साफ करके इसी के ऊपर दोबारा से इस तरीके से अटैच कर दूंगी अच्छे से। और देखिए यहाँ पर जब मैं इसको लगा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर जगह खाली लग रही है बिल्कुल। अगर यहाँ पर मैं कुछ नहीं भरूंगी तो ये बिल्कुल कपड़ा है वो बार बार निकलता आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें से जो फॉर्म निकला था मैं एक दो फॉर्म इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगी, जिससे कि यहाँ पर जो खाली सा पोर्शन हो गया है वो थोड़ा भर जाए और जब मैं अपना फैब्रिक इस पर लगाऊँ तो वो बार बार ना निकले। तो देखिए इस तरीके से टाइट करते हुए मैं इसको यहाँ पर अंदर पहले अंदर मतलब एक तरीके से एडजस्ट कर लूँगी अच्छे से। कुछ इस तरीके से मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से लग गया है तो मैं इसको सिल भी दूंगी चारों तरफ से। और यहाँ देखिए नीचे से भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ से भी फटा हुआ था, तो मैं इसको भी अच्छे से सिल रही हूँ और मैंने एक मजबूत धागा से सिल रही हूँ, पतला सा धागा है जिससे मैं इसको अच्छे से सिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ये नीचे से भी पूरी तरीके से फट चुका था। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है, पूरा सिल गया है ये, आप देख सकते हैं कितना क्लीन सिला है। और पहले यहाँ का पोर्शन कितना गंदा लग रहा था, और अब ये जो और भी यहाँ पर आगे फटा हुआ है वो भी मैं अच्छे से सिल दूँगी। और आगे तक ये फटा हुआ था देखिए यहाँ पर मैंने सबको सिल दिया है, और यहाँ पर भी मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है क्योंकि वो धागा थोड़ा फिनिश हो गया था। तो ये देखिए पूरा पोर्शन मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिल दिया है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर वहाँ पर भी साइड से मैंने पूरा सारा सब कुछ इसको सिल कर तैयार कर लिया है। और अब मैं इस पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको जीरो कॉस्ट पर बना रही हूँ, तो मैं इस पर जो कवर लगाऊंगी वो भी कोई सोफ़ा कवर नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ पर किसी ओल्ड चीज़ का ही रीयूज़ करूँगी। तो मेरी एक बेडशीट थी, ये वाली एक बेडशीट है मेरे पास जो कि वाइट कलर में आ गई थी, मुझे अच्छी लग रही थी, इसका फ्लोरल प्रिंट था तो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने ले ली। लेकिन मैंने इस पे बेड पर कभी नहीं बिछाया क्योंकि बेड पर बच्चे बहुत जल्दी इसको गंदा कर देते थे, दो दिन भी नहीं चलती थी, इसलिए मैंने इसको काट के और इस तरीके से सिलकर और इसको सोफ़ा कवर बना दिया है। और मेरे सोफ़े पर जो भी कवर बाहर मिलते हैं वो छोटे ही पड़ते हैं, पूरी तरीके से आ नहीं पाते, इसलिए मुझे या तो कवर बनवाने पड़ते हैं या फिर मैं इस तरीके से ही बना लेती हूँ घर पर। तो वो जो ऑर्डर देकर मैं बनवाती हूँ वो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से चादर को ही बना लेती हूँ। अच्छी सी चादर कोई भी ले लो, 250-250 रुपये में अच्छी सी चादर आ जाती है, और उसको काट के थोड़ा सा सिल के इस तरीके से आप बना सकते हैं, या आपकी कोई भी पुरानी चादर वगैरह रखी हो आप उससे भी इस तरीके से मतलब अपने सोफे पर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं सब तरफ से इसको अच्छे से बिल्कुल मतलब एकदम नीट एंड क्लीन की तरह इसको अंदर इंसर्ट कर दूंगी, जिससे कि इसकी जो भी एजेस वगैरह हैं वो बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। और देखिए यहाँ पर ये नीचे का पोर्शन बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है, और अब बारी आती है इसके ऊपर वाले पोर्शन को लगाने की, तो मैं ऊपर वाले को भी इसी तरीके से लगा दूंगी। हे गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में मतलब इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है। आई होप कि आपको यूज़फुल लग रहा हो और भी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, वो भी इस तरीके से अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला हो, और अब आप नेक्स्ट टाइम से अपनी कोई भी चीज़ को इतनी जल्दी थ्रो नहीं करेंगे, पहले उसका कुछ ना कुछ सर्च कर जुगाड़ करके उसको रीयूज़ करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि रीयूज़ हर चीज़ का हो सकता है। हम हर कबाड़ से जुगाड़ करके कबाड़ को भी मतलब अच्छा सा बना सकते हैं, थोड़ी सी बस जुगाड़ करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरा ये सोफ़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, तो अब आप बताइए कि मैंने इसमें कितना वर्क किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपना सोफ़ा एकदम से जो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था उसको भी एक बार फिर से अपने रूम में रखने के लायक बना लिया है। इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल और यूनिक वीडियोस हमेशा लेके आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट क्रिएटिविटी के साथ। बाय।